हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने इस एक डेली वन टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दोस्तों 3 दी गई है और वहां से आपसे x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है तो वहां से आप दो चीज़ें तो आराम से निकाल लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हो। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या होती है कि वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो माइनस 2, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। साथ में आप यहाँ से अगर ये चीज़ की वैल्यू दी है तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब भी निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू का क्यूब और यहाँ प्लस है तो माइनस का 3 इंटू वैल्यू, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से आप ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ देखो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करा दूँ क्या आएगा। देखिए, पहले एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 5 आएगा, फिर इस एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और इस वाले से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का एक्स आएगा, और इसका इसमें करोगे तो प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो आपको एक चीज़ मिल रही है, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये वाली चीज़ देखो एक्स्ट्रा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये बोलूँ कि एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का फॉर्मूला, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब से, बट इसमें एक्स्ट्रा कितनी चीज़ आ रही थी, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी तो इसको मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। तो बस यही इसका फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको भाई, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको 3 दी गई है तो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस का 2, ये लगा दोगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, वैल्यू का क्यूब 3 का क्यूब माइनस का 3 और इनटू वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है 3 3 3 9 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट 3 दी गई, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 से 2 जाएगा 7, 27 से 9 जाएगा 18 और यहाँ पे 3, तो बस 8 7 56 और 7 1 7 5 12 माइनस का 3 123। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दोस्तों 123 आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आसानी से पता है तो उससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से डेली अपने चैनल पर एक टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखे दोस्तों पता चल गया कि इस तरीके को सॉल्व करने के लिए इससे ये सॉल्व करना या फिर इससे डायरेक्ट ये सॉल्व करना, तो 3 टाइप के क्वेश्चन पता चल गए। और इसके पहले वाला एक क्वेश्चन देखिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ आपको कराई थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता था तो इसका कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे आंसर आता था। और बाकी अगर आपको ये सीखने को मिला है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।